हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गुनुसल। आज एक बढ़िया सा केक का रेसिपी लाई हूँ, नाश्ता वेजिटेबल केक। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसे बनाई हूँ। फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ फ्रेंड्स आप सब्सक्राइब करें या ना करें, प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करिएगा, क्योंकि मैं जो भी इतना मेहनत करती हूँ आप सबके लिए, आप अच्छे से सीखिए। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने एक मिक्सी जार लिया है। मिक्सी जार में दो आलू, मीडियम साइज़ का आलू लिया है, 100 ग्राम सूजी, वही मिक्सी जार में मैं ले रही हूँ उस आलू के साथ, और ये दही। फ्रेंड्स, मैंने दही 50 ग्राम लिया है, और ये जीरा 1 टेबलस्पून, और नमक टेस्ट के हिसाब से नमक, और ये थोड़ा सा पानी में डाल के इसको अच्छे से पेस्ट बनाने वाली हूँ। आप थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के इसको बना लीजिए। मैं जितना दही डाला था उतना ही पानी मैंने दिया है। देखिए, अच्छी तरह से एकदम स्मूथली पेस्ट मैंने बना दिया है, और उसको मैं बाउल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, और ये हरा धनिया जो छोटे छोटे टुकड़े में मैं काट के इसको ले लिया है, पहले से धो के आपको अच्छे से इसको ड्राई करना है, फिर काट के इसको डालना है। और ये गाजर मैंने कद्दूकस करके लिया है, जितना आप सब्ज़ी डालेंगे तो ड्राई करके डालना है आपको इस तरह से, और आपको थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे चला के इस तरह से आपको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपको क्या करना है, आपको कुछ टाइम के लिए इसको छोड़ना है, क्योंकि सूजी जो है ना वो थोड़ा सा फूलेगी, तो आपको 5 से 10 मिनट छोड़ना है। मैं छोड़ दिया है, अभी हम तड़का लगाएंगे। मैंने 1 टेबलस्पून सरसों का तेल लिया है, आप कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने थोड़ा सा सरसों डाला है, और इसमें मैं हींग थोड़ा सा मतलब चुटकी भर हींग डाला है, खुशबू भी बहुत बढ़िया आएगी। सरसों जब छिटकने लगेगी, देखिए ये थोड़ा थोड़ा करके छिटकने लगी है ना, जब अच्छी तरह से चिटकने लगी तब हम यहाँ पे डाल देंगे, क्योंकि तड़का लगाने से ये जो नाश्ता बनेगी ना बहुत अमेजिंग नाश्ता बनेगी। एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, प्लीज़ इस तरह का वीडियो देखने के लिए, अगर आपको आगे भी इस तरह का वीडियो देखना है, इतना मज़ेदार वीडियो देखना है, तो आप चाहे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे इस तरह का वीडियो देखने के लिए। अभी हम 5 मिनट रेस्ट करने के लिए छोड़ दिए थे। देखिए, मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा पानी डाल के रख दिया है, और इसको मैं थोड़ा सा सोडा, बेकिंग का सोडा जो आता है ना डिब्बे में, वो मैं डाल रही हूँ। बेकिंग सोडा एक्टिव होना है, हो गया है। देखिए देखिए किस तरह से बबल्स आ रही है मिक्स करने से। जब इस तरह से बबल आएगी तो आपको पता चल जाएगा कि बेकिंग सोडा हमारा एक्टिव हो गया है। अगर नहीं आ रहा है तो आप चुटकी में थोड़ा सा नींबू का रस डाल दीजिएगा, उससे नाश्ता खट्टा नहीं बनेगी, लेकिन बेकिंग का सोडा जो है ना वो एक्टिव हो जाएगी। देखिए, मैंने एक बर्तन में थोड़ा सा ऑयल लगा के हमारा बटर जो है ना मैं बनाई थी वो डाल दिया है। जो बर्तन आप यूज़ करेंगे ना वो थोड़ा सा मतलब आधा तक बटर डालना चाहिए, फूल नहीं होना चाहिए। देखिए मैंने वो, देखिए ये थोड़ा सेट हो गया है। मैं अभी गाजर इसमें थोड़ा सा सजा रही हूँ, इससे क्या होगा ना, बच्चों को अच्छा लगेगा, केक भी बहुत सुंदर दिखेगा, नाश्ता बहुत बढ़िया दिखेगा, तो बच्चों को खाने में भी अच्छा लगेगा। आप चाहे कोई भी सब्ज़ी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, मिर्ची जो शिमला मिर्च आप यहाँ पे कलरफुल जो आता है ना वो यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़े में डाल सकते हैं, इससे बच्चे जो है ना वो अच्छी तरह से सब्ज़ी भी खा लेंगे और नाश्ते भी वो खा लेंगे। तो इस तरह से आप ज़रूर बनाइए, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखिए ये 10 मिनट में हमारा केक कैसे सेट हुआ है। अभी हम ये जो केक है ना, ये जो नाश्ता हम बनाएंगे, ये 20 से 30 मिनट के अंदर ये हो जाती है। देखिए ये 20 मिनट में, मैं थोड़ा थोड़ा हाथ लगा के दिखा रही हूँ, अंदर एकदम बढ़िया सा सेट हो गया है। अभी हम इसको ठंडा करने के लिए रख दिए थे। ठंडा होने के बाद हम इस तरह से नाइफ में लेके किनारे से जो नाश्ता जो है ना किनारे से छुड़ाएंगे, इस तरह से किनारे से अलग करेंगे। देखिए बर्तन से मैं किनारे तक इस तरह से करके अलग कर दिया, और उसको पलट के थोड़ा सा हाथ से टैप कर लिया है। और ये देखिए हमारा नाश्ता कितना जालीदार बना हुआ है, देखिए कितना फूल के एकदम इतना बढ़िया सा जालीदार नाश्ता बना हुआ है। और ये गाजर एकदम सेट है नाश्ते में, और इस तरह से नाश्ता ज़रूर बनाइए फ्रेंड्स, और मुझे कमेंट करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही है, फिर मिलेंगे नए के रेसिपी के साथ या नए के ब्यूटी टिप्स के साथ इसी टाइम पर इसी चैनल पर। तब तक के लिए बाय बाय।